वो बात ताकत सिर्फ अनुराग के शरीर में थी। जानता है अनुराग के शरीर में ऐसी ताकत क्यों थी? युग भक्षानर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि पापा का जन्म एक आम औरत की कोख से नहीं हुआ था, कंटक टोना करके जिस कोख को तैयार किया गया था उससे हुआ था। भक्षानर खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा युग तूने, अब धीरे धीरे तेरे सब समझ आ रहा है। कैसे ना आएगा, आखिर तू भी मेरी तरह भक्षानर जो है, और एक भक्षानर को दूसरे भक्षानर की सारी बातें समझ में आती हैं। युग चुप खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। भक्षानर फिर से बोल पड़ता है, अनुराग के शरीर को पाने के लिए ही मुझे तेरे शरीर से निकलना पड़ा, पर जब मैं तेरे शरीर से निकला तो यामिनी अपनी अलग चाले चलने लग गई। उसने तुझे मजबूर किया खुद उसके शरीर को ढूंढने के लिए। तुझे वो रात याद है जिस रात तू अभिमन्यु के साथ घाट पर गया था यामिनी को बुलाने के लिए, और वहां पर यामिनी की आत्मा आई थी? युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ याद है, उसी रात तूने डायना पर हमला किया था ना ग्रेवयार्ड कोठी में। भक्षानर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ युग, मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ जब वो डायना पहली बार ग्रेवयार्ड कोठी में घुसी थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि वो एक डायन है और उसे जरूर चित्रा नहीं भेजा होगा, आखिर वो भी तो डायन थी। पर मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप सब कुछ देखते रहा, पर उस रात उस डायना ने सारी हदें पार कर दी थी। उसके हाथ वो कागज लग गया था जिसमें अनुराग ने अपनी कहानी लिखने के लिए भक्षानर की जगह अपना नाम लिखा था, और डायना को मेरे वहां पर होने का एहसास हो गया था, इसी वजह से मुझे उस पर हमला करना पड़ा। मैंने सोचा था कि तुम सबके आने से पहले ही मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। मैं उसे मार पाता उससे पहले ही तुम लोग वहां पर आ गए, और उस कमीने अभिमन्यु ने एकास्त्र से मुझ पर वार कर दिया। शरीर ना होने के कारण मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एकास्त्र की शक्तियों का सामना कर सकता, इसी वजह से उस रात तेरे सब दोस्त बच पाए, वरना उसी रात मैं सबका खेल खत्म कर देता। भक्षानर एक लंबी आह भरने के बाद कहता है, और फिर ग्रेवयार्ड कोठी से निकल जाने के बाद कैसे क्या हुआ तू खुद अच्छे से जानता है। मैंने यामिनी को कैद कर लिया था और उसके बदले तुझे अनुराग का शरीर लाने के लिए कहा, और जानबूझकर उसका पेन दिया, क्योंकि वो पेन भी मेरे वश में था। उस रात मैंने ही अपनी शक्तियों की मदद से तुझसे वो कहानी लिखवाई थी। जानता है मैंने तुझे अनुराग और चित्रा की वो कहानी क्यों बताई थी, क्यों वो सारी बातें बताई थी जो नहीं बतानी चाहिए थी? युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्यों भक्षानर, तूने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे वो कहानी बताई? भक्षानर युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं तेरे दिल में चित्रा के लिए और ज्यादा नफरत भरना चाहता था युग। मैंने कहानी को इस तरह से तेरे सामने पेश किया कि तुझे चित्रा बुरी लगने लग जाए और अनुराग अच्छा। युग तू अनुराग का बेटा है, एक लेखक का बेटा, तो तुझे तो कहानी की एक सबसे जरूरी बात पता ही होगी कि कहानी में कुछ बातें सच होती हैं और कुछ बातें झूठी, और इस सच और झूठ के बीच जो बात होती है ना, वही कहानी होती है। मैंने भी ऐसी ही कहानी लिखी, कुछ बातें तो सच बताई पर कुछ बातें जानबूझकर झूठी लिखी, ताकि वक्त आने पर मैं उस चीज का फायदा उठा सकूं, तुझे अनुराग के मुंह में इस तरह बांध दूं कि तू मेरी हर बात माने। पर वो हो नहीं पाया, क्योंकि वो चित्रा बीच में आ गई और उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। उसने तुझे सारा सच बता दिया और फिर मुझे अपने असली रूप में आना पड़ा। युग अभी भी खामोशी के साथ खड़ा रहता है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। भक्षानर फिर खुद से बोल पड़ता है, मैं तो खुद उस चित्रा को मारना चाहता था, पर उस पागल चित्रा ने खुद अपने हाथों अपनी जान दे दी। तू ही बता युग, उसके पूर्वज ने खुद कामेश्वरी को अभिशाप दिया था, और सदियों से चले आ रहे उस अभिशाप को उसने यूं ही खत्म कर दिया। वो खुद अपने पूर्वज के खिलाफ गई, और हमें अपने पूर्वज के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो अपने पूर्वज के खिलाफ जाता है उसका अंत निश्चित है। मुझे पूरा यकीन है कि तू अपने पूर्वज के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, उनकी सारी बात मानेगा। तू मानेगा ना युग मेरी बात, आखिर मैं ही तो तेरा पूर्वज हूँ युग। युग एकटक भक्षानर को ही देखते रहता है। भक्षानर बड़े धीरे धीरे युग को मोहित करते हुए कहता है, युग तू भी हमारी तरह है एक भक्षानर, और तुझे तो पता है मेरे जाने के बाद कितने सारे भक्षानरों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ ब्रह्मांड पर राज करने के लिए, पर किसी के भी हाथ वो शक्ति नहीं लग पाई जिसमें वो ब्रह्मांड पर राज कर सके। पर अब मेरे पास वो शक्ति है जिससे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है, तो एक भक्षानर होने के नाते तेरा भी यही फर्ज बनता है कि तू मेरा साथ दे, मेरे ही मकसद को अपना मकसद मान ले। युग अभी भी चुप खड़ा रहता है, पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। भक्षानर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, आ युग मेरे साथ आ जा,
इस दुनिया में ना पहले तेरा कोई था ना अब तेरा कोई है, तू अकेला है, पर मेरे साथ आकर तुझे सब कुछ मिल जाएगा। हम दोनों साथ में रहकर इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। युग भक्षानर को घूरते हुए कहता है, किसने कहा मैं इस दुनिया में अकेला हूँ? मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरा प्यार है, और दोस्ती और प्यार से ही दुनिया बनती है। मैं तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा भक्षानर, ना ही तेरे मकसद को कभी अपना मकसद बनाऊंगा। युग भक्षानर के आगे बढ़ाए हुए हाथ को देखते हुए कहता है, जब तक मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मुझे किसी और का हाथ थामने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भक्षानर युग को फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, तेरे साथ कोई नहीं है युग, तेरे दोस्त बस तेरे साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। तुझे क्या लगता है तेरे ये दोस्त हमेशा तेरा साथ देंगे? बिल्कुल नहीं युग, जिस दिन इन्हें पता चलेगा कि औरतों के शिकार तूने किए हैं, ये लोग तुझे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देंगे। देखना कैसे एक एक करके ये अलग होंगे। अभी इन्हें तेरा असली रूप नहीं पता ना, पर देखना जिस दिन तेरा असली रूप इनके सामने आएगा, ये तेरा साथ छोड़ देंगे। ये लोग तेरा साथ छोड़े उससे पहले तू मेरे साथ आ जा, मेरा हाथ थाम ले, उसी में तेरी भलाई है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, मैं तेरा हाथ कभी नहीं थामूंगा, कभी नहीं थामूंगा तेरा हाथ। भक्षानर युग पर दबाव बनाते हुए कहता है, मेरी तरफ देख युग, और अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, मेरी आंखों में ही तुझे तेरी सच्चाई पता चलेगी, तेरा असली रूप दिखेगा। भक्षानर की ये बात कहते ही युग भक्षानर की आंखों में देखने लग जाता है। जब वो उसकी पीली पीली आंखों में देखता है तो उसकी आंखों की पुतलियों में युग को वो दृश्य नजर आने लग जाते हैं जिसमें वो घाट पर औरतों के साथ संभोग करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया करता था। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, पहचान अपने आप को युग, ये तू ही है, मैं नहीं हूँ। तू खुद उन औरतों के साथ संभोग किया करता था जब तेरे अंदर की हवस जाग जाया करती थी। भक्षानर की आंखों में अपना ये हाल देखकर युग को खुद अपने आप पर घिन आने लग जाती है। युग को वो दृश्य भी नजर आता है जिसमें वो शालिनी को मार रहा था ग्रेवयार्ड कोठी में। भक्षानर फिर कहता है, ये तेरा ही रूप है युग, मैंने तुझे शक्तियां भले ही दी थी पर वो निशान जो तेरी कलाई पर आए हैं वो मैंने नहीं दिए हैं, वो खुद अपने आप जागृत हुए हैं क्योंकि तू खुद एक भक्षानर है और यही एक भक्षानर होने की निशानी है। तू एक भक्षानर है युग, भक्षानर। युग के कान में बार बार भक्षानर होने की बात गूंजने लग जाती है और वो खुद से बड़बड़ाने लग जाता है, मैं एक भक्षानर हूँ, मैं एक भक्षानर हूँ। जैसे ही भक्षानर ये बात सुनता है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो खुश होने लग जाता है, आखिर वो यही तो चाहता था। भक्षानर बड़ी उम्मीदों के साथ युग से कहता है, तूने सही कहा युग, तू एक भक्षानर है और सब भक्षानर एक साथ लड़ते हैं, एक दूसरे से नहीं। भक्षानर फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, आजा युग, मेरे साथ आजा, अपने पूर्वज के साथ। अगले पल युग धीरे से अपना हाथ उठाता है और अपना हाथ भक्षानर के हाथ के ऊपर रखते हुए कहता है, मैं भक्षानर हूँ और मैं अपने पूर्वज के साथ हूँ। जैसे ही युग ये बात बोलता है उसकी कलाई पर वो पांचवा निशान भी नजर आने लग जाता है जिसमें ट्रायंगल के अंदर एक आंख बनी हुई थी। वो निशान भी पीली रोशनी के साथ चमकने लग जाता है और युग की आंखें भी पूरी भक्षानर की तरह दिखने लग जाती है। युग की आंखों और भक्षानर की आंखों में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा था। भक्षानर आक्रोश भरे लहजे के साथ कहता है, अब मुझे बता युग कौन है तू? युग भारी आवाज में कहता है, मैं एक भक्षानर का वंशज हूँ और मैं भी एक भक्षानर हूँ। भक्षानर आगे कहता है, अब ये बता तेरा मकसद क्या है? युग भक्षानर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मेरा मकसद समस्त ब्रह्मांड पर राज करना है। युग की बातें सुनकर भक्षानर कसकस कर हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए ही उसका शरीर धुएं के रूप में बदलता है और वो युग की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। वो अलग जगह जहां पर बस कुछ वक्त के लिए युग और भक्षानर थे, युग उस दुनिया में से बाहर आ गया था और अब उसे उसके चारों तरफ बस ढेर सारा धुआं नजर आ रहा था। उस धुएं के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। उसे ये भी एहसास होने लग गया था कि किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ कर रखा हुआ था, पर युग इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो बस एक बात खुद से बार बार बड़बड़ाए जा रहा था। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं एक भक्षानर हूँ, मैं एक भक्षानर हूँ। यामिनी भी युग के पास ही खड़ी हुई थी पर उसे भी बस हर तरफ काला धुआं ही नजर आ रहा था, उसके सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। यामिनी को भी इस चीज का अभी भी एहसास हो रहा था कि किसी ने उसका गला पकड़ कर रखा हुआ था और वो उसका गला दबा रहा था। यामिनी का दम घुटने लग गया था, उसके गले पर लाल लाल उंगलियों के निशान छपने लग गए थे। यामिनी घबराते हुए खुद से कहती है, ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? तारा, युग बाबू कहाँ पर चले गए? वो सब यहीं पर तो थे, ये हर तरफ इतना धुआं क्यों छाया हुआ है? यामिनी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके आसपास फैला धुआं छटने लग जाता है।
वो कम होने लग जाता है और देखते ही देखते वहां पर से पूरा धुआं गायब हो जाता है। यामिनी को युग तारा और अनुराग वापस से नजर आने लग जाते हैं। वो देखती है कि अनुराग ने अभी भी एक हाथ से उसका गला पकड़ा हुआ था तो अपना दूसरा हाथ युग की कलाई पर रखा हुआ था और वो एकटक नजर से युग की तरफ ही देखे जा रहा था। युग भी बस अनुराग की आंखों में देखे जा रहा था। वो दोनों जैसे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। तारा वहीं पर थी जो अभी भी रोए जा रही थी पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। यामिनी एक बार फिर अपनी पूरी जान लगाकर अपने दोनों हाथों से अनुराग के हाथ को अपने गले पर से हटाने की कोशिश करती है पर उसमें फिर वो नाकामयाब हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती है। यामिनी अपना गला छुड़ाने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसकी नजर युग के हाथ की हथेली पर चली जाती है और उसे युग के हाथ की कलाई पर जो पांचवा निशान उभरा था वो पीली रोशनी में चमकते हुए नजर आने लग जाता है। यामिनी घबराते हुए मन में सोचती है, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, अब तो युग बाबू। इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। वो खुद घबरा रही थी उस बात को बोलने में। अनुराग युग की आंखों में देखते हुए कहता है, त्वमपि मम सदृश भक्षानर भव, त्वमपि मम सदृश भक्षानर भव। अनुराग तीन बार इस मंत्र का जाप करता है और युग की आंखें बंद होने लग जाती हैं। अनुराग उसी वक्त युग की कलाई पर से अपना हाथ हटा लेता है। जैसे अनुराग अपना हाथ हटाता है युग धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। युग को देखने के चक्कर में अनुराग के हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है और यामिनी गुस्से के साथ अनुराग से बोल पड़ती है, क्या किया तूने मेरे युग बाबू के साथ। अनुराग हंसते हुए भारी आवाज में यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैंने तेरे युग बाबू को भी अपनी तरह बना दिया भक्षानर। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। अनुराग कहता है, ये हो चुका है यामिनी, वैसे मुझे युग को भक्षानर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो पहले से ही भक्षानर था, मैंने तो बस उसे उसके अस्तित्व का एहसास करवाया है जिसे वो भूल गया था। यामिनी घबराते हुए बस ना में अपना सिर हिलाती रहती है। वो इतनी ज्यादा घबरा चुकी थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अनुराग खुद यामिनी से बोल पड़ता है, मैं सोच रहा था कि भक्षानर बनने के बाद युग खुद तुझे मारेगा, पर भक्षानर बनने के बाद युग तो बेहोश हो चुका है, पर अब ये अधूरा काम मैं ही पूरा कर देता हूँ, मैं तुझे मारूं या फिर युग, मार तो एक भक्षानर ही रहा है ना। यामिनी डर के साथ कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अनुराग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, ऐसा हो चुका है यामिनी, सच्चाई को स्वीकार कर और अब अपने अंत को भी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।